वक्त संभावनाओं की निर्मिति करो, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे लोग जो है वो मेरे पास में डिप्रेशन के लिए आते रहते हैं और उनको नकारात्मक ही विचार आते रहते हैं। वो उनकी सोच नकारात्मक है, उनका चलना, उनका बोलना, उनका सब एक्शन सब नकारात्मक रहेंगे। गाड़ी मिलेंगी नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल ही खत्म हुआ होगा, मुझे प्रमोशन ही मिलेगा नहीं, मेरा बॉस मेरे से नाराज हो जाएगा, चोरी हो जाएगी पता नहीं तो मुझे मिलेगा नहीं, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ मुझे मिलेगा नहीं, धंधे में नुकसान हो जाएगा, वो मुझे उल्टा पुल्टा कुछ बोल देगा, मैं उसको कुछ बोलूँ तो उसको मैं कॉन्टेक्ट करूंगा तो फोन पे मुझे मिलेगा नहीं। अरे तू करके तो देख, तू शुरू तो कर, शुरुआत तो कर कुछ करने की, या पहले से बोल देगा ये होगा नहीं। मगर ये लोगों को नकारात्मक विचार इतने आते रहते, ये नकारात्मक विचारों के ये स्टैचूज है, पुतले कंटिन्यू बोलते रहे। मैं उनको हरदम बोलता हूँ कि इसकी वजह से डिप्रेशन आता है। अब जब बार बार नकारात्मक बोलते हैं तो आपको एंग्जाइटी निर्माण होती है, तो नकारात्मक मत बोलो, सोचो कि संभव है, कुछ भी संभव है। एक कहानी आपको सुनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। कि एक राजा था, उसके यहाँ दो चोर थे, पकड़े गए तो उसने उनको फांसी की सजा सुनाई। अब फांसी की सजा सुनाने के बाद एक तो जो कैदी था वो बहुत नाराज हुआ, और दूसरा जो कैदी था वो बोलेंगे धर तेरी की, अभी जो मुझे घोड़ा उड़ाने का कार्यक्रम करना था और घोड़ा उड़ाने का कार्यक्रम का एक्सपेरिमेंट जो कर रहा हूँ, प्रयोग जो कर रहा हूँ, वो तो अभी होंगे ही नहीं, क्योंकि अभी मेरे को फांसी होने वाली। तो राजा ये सुनता है, बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो? बोले कि मैं यही बोला कि अभी आप मुझे फांसी देने वाले हो तो मेरा जो प्रयोग चालू है घोड़ा उड़ाने का है, मेरे को हवा में घोड़ा उड़ाने का कार्यक्रम जो मुझे करने का है, वो घोड़ा उड़ाने का जो कार्यक्रम, उसको घोड़ा हवा में उड़ाने का कार्यक्रम जो करने का है वो मेरा होंगे नहीं, क्योंकि मेरा प्रयोग अभी सफल होंगे नहीं, आप मुझे कल फांसी देने वाले हो। राजा बोले ये कैसा संभव है? बोले हाँ मैं अभी उसका प्रयोग ही कर रहा हूँ और उसमें मुझे पक्का विश्वास है कि घोड़ा उड़ जाएगा हवा में और मैं उड़ा सकता हूँ। बोले कोई भी घोड़ा दो, आपका भी घोड़ा मैं हवा में उड़ा सकता हूँ। अब राजा सोचने लगा कि क्या हरकत है। बोले कितना दिन लगेगा? बोले एक साल में मेरा प्रयोग क्लियर हो जाएगा और एक साल में मुझे पूरा विश्वास है कि एक साल के अंदर मैं कोई भी घोड़े को हवा में उड़ा सकता हूँ, आपके घोड़े को भी हवा में उड़ा दूंगा। अब राजा का दिमाग चकरा गया, बोले कि ये संभव है? बोले हाँ बिल्कुल मैं करने वाला हूँ। तो बोले ठीक है फिर, मेरा घोड़ा उड़ सकता है? राजा बोले हाँ आपका भी घोड़ा उड़ जाएगा। बोले ठीक है फिर मैं तुमको एक साल के लिए आपकी जो शिक्षा है वो आगे ढकल देता। तो फिर दूसरा कैदी और वो उनको वापस भेजा गया, बोले आप घोड़ा उड़ाने का जो प्रयोग कर रहे हैं वो चालू रखो। दूसरा कैदी वो जो था उसको पहला कैदी ने फिर बोला कि अरे तू कुछ भी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ तेरा प्रयोग चालू नहीं है, कोई घोड़ा हवा में उड़ता है क्या? ऐसे कैसे बात कर सकता है तू, कुछ भी फेंक रहा है। तो ये जो दूसरा कैदी था वो बोले कि देख मैं हरदम संभावनाओं से बात करता हूँ। देखो एक साल का आपने को मोहलत मिल गया, एक साल के बाद में फांसी होने वाली है। अब हो सकता है कि एक साल के अंदर वो घोड़ा मर सकता है, वो घोड़ा मर गया तो सवाल ही नहीं आता। अच्छा हो सकता है कि एक साल जब अपने को राजा ने टाइम दिया, राजा मर सकता है तो फिर भी अपनी फांसी की सजा कैंसिल हो जाएगी। हो सकता है कि मैं मर जाऊंगा वैसे ही, पता नहीं क्या होगा, तो मेरे को फांसी नहीं होगी क्योंकि नेचुरल डेथ है। हो सकता है कि सच्ची घोड़ा उड़ जाएगा, पता नहीं क्या होगा, तो और समझो नहीं उड़ा तो फिर तो आज होने वाली कल होने वाली बात एक साल के बाद में होगी। और संभावना जो है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ चमत्कार हो सकता है और मेरी फांसी टल सकती है, कल फांसी होने वाली है और कभी कभी हो जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं है, मगर कुछ बीच में कुछ आ गया तो फांसी टल जाएगी। जब फांसी की शिक्षा हो रही है तभी भी, जब उसको मालूम है कैदी को कि कल फांसी होने वाली है, तभी भी वो क्या पॉसिबल है, क्या संभव है, वहां से वहां खड़े रह के बात कर रहा है। तो ये यदि हम हमारे जीवन में लाते हैं कि कुछ भी संभव है, सब कुछ आसान भी है और सब कुछ संभव भी है, यहां हम खड़े रहते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही एक अलग ऊंचाई पे जाएगा, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कुछ तो भी नया हम कर सकेंगे, कुछ तो भी क्रिएटिविटी हमारे में आ जाएंगी, तो फिर हम कुछ तो भी नया निर्माण करेंगे और वहां से बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। सबसे ज्यादा महत्व का जो है वो डिप्रेशन आएगा नहीं, एंग्जाइटी आएगी। तो आज से ये बंद कर दो नकारात्मक बातचीत करना, नकारात्मक बोलना। अच्छा नकारात्मक सोचना जो वो सोच अपने मन में ऑटोमेटिक आती रहती है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक सोच आती है ठीक है, बोल तो सकते हो आप पॉजिटिव, सकारात्मक बात तो कर सकते हो, सकारात्मक बात करो, कितनी भी निगेटिव सोच रहे तभी भी। तो आज से बोलना पक्का है वो सकारात्मक की बात करना है। हमारे पास में काफी लोग ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए कॉल करते रहते हैं, नीचे नंबर दिए हुए, वहाँ आप कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसिलिंग कर सकते हैं हमारे से। हमारे यहाँ लोग आते हैं पेशेंट को लेके रिश्तेदारों के साथ में, रिश्तेदारों के अलावा मानसिक रुग्णों को और व्यसन मुक्ति जिनको चाहिए उनको हम भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों के
दिमाग में डिप्रेशन और एंग्जाइटी का जो कीड़ा चालू रहता है, और वो कभी भी पेशेंट बन सकते हैं, वो बनने से बच जाएंगे और आप हमारे पार्टनर बनेंगे। कौन सी इसमें? हमारा जो मिशन है उसमें, हमारा मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन आता है उसके ऊपर क्लिक करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।